बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज द मॉडल ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इन द सेंटर यू कैन सी दिस इज द एब्डोमिनल एओर्टा एंड इन द एट द लोअर पार्ट इट डिवाइड्स इनटू द टू कॉमन इलियक आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। एंड हेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। दिस इज द सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। एंड दिस ये दोनों साइडों पर हमारे पास गोनेडल आर्टरीज हैं। देन राइट साइड पे और इसके इन्फीरियर वेना के बाद जाती है, और इन्फीरियर वेना के बाद जो है ये कॉन्टिन्यूएशन है किसकी, इधर से हमारे पास आ जाती हैं राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन्स होती हैं। और देन हमारे पास ये राइट साइड पे ये जो है गोनेडल वेन है जो कि ड्रेन हो रही है इनटू द इन्फीरियर वेना केवा, और लेफ्ट साइड पे ये गोनेडल वेन जो है ये ड्रेन होती है इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। देन दीज आर द रीनल वेन्स, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स, दीज आर द रीनल आर्टरीज। एंड सुपीरियरली सीलियक ट्रंक की कुछ ब्रांचेज हमें नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक है, और ये हमारे पास सीलियक स्प्लीनिक आर्टरी है, सॉरी। देन लेटरली हमारे पास दोनों तरफ जो है राइट एंड लेफ्ट किडनीज हैं। ये अपर पोल ऑफ द किडनी है, लोअर पोल ऑफ किडनी, ये मीडियल बॉर्डर आ गया, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर आ गया। किडनी के अपर पोल के ऊपर जो है ये राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड आ गया, और ये हमारे पास लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, एंड दिस इज द सुप्रा रीनल वेन। देन ये यूरिटर है जो कि रन कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, और यहाँ भी ये पेल्विक ड्रेम को क्रॉस करेगा, और यूरिटर से पीछे जो है ये जो मसल है इसको हम कहते हैं सॉस मेजर मसल। देन लेटरली अगर हम देखेंगे तो ये इलियकस है हमारे पास, इलियकस है। उसके बाद साइड पे यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये क्वाड्रेटस लंबरम है, और ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। देन हमारे पास अगर हम लोअर पार्ट में देखेंगे तो ये यूनरी ब्लैडर है, ठीक है, और पोस्टीरियरली ये रेक्टम है। यूनरी ब्लैडर की ये एपेक्स है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये एपेक्स है, ठीक है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी बेस, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस आ गई। देन हमारे पास यहाँ पे इसका इंटीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ पे साइड्स पे इसके दोनों साइड पे लैटरल बॉर्डर होते हैं, और ये दोनों जो है इसकी इन्फ्रालैटरल सर्फेसिस हैं। इस जगह पे इसकी नेक होती है। पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये वॉस डेफरेंस, और ये हमारे पास एम्प्यूला, देन ये यूरिटर है दोनों साइड पे, और ये हमारे पास आ गई सेमिनल वेजिकल्स। देन लोअर पार्ट पे हमारे पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट फोल्ड नज़र आते हैं, और ये स्मूथ पार्ट नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोन, और देन हमारे पास ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा आ गया, और ये यूरिथ्रल क्रेस्ट आ गया, ये प्रोस्टेट दोनों साइड पर हमारे पास आ गया।